क्रिएटिव माइंड्स चैनल। बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को कैसे क्लीन करें, जिसके लिए उसके लिए हम लोग को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। तो चलिए अब हम उस ऐप की ओर चलते हैं। अब इस ऐप को ओपन करने जा रहे हैं। तो ये ऐप ओपन हो रहा है और ये देखिए आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है और ये आपको बता भी देगा कि ये कितने MB और GB का यहाँ पर जंक फाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना जंक फाइल बता रहा है। तो हम इसको क्लीन भी कर सकते हैं, इसके लिए टैप करना पड़ेगा। और अगर आपके फ़ोन में बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में बैटरी सेवर है, उसको क्लिक करना है। बैटरी सेवर मोबाइल खुलते हैं तो हमारा बैटरी लाइफ 19 आवर और 19 मिनट चलेगा। तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये पहले पर तो हमको मैक्स क्लीनर में जाके इसको ऑन करना है। फिर उसके बाद ये फ्लोटिंग विंडो को अलाउ करना है। ये मैक्स क्लीनर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारा एक्सटेंड हो रहा है और ये क्लोजिंग बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स बता रहे हैं, मतलब जो ऐप ज़्यादा बैटरी लेता है उसको ये क्लोज कर रहे हैं। तो 1 ऐप को स्टॉप कर दिया और 2 को स्टॉप कर दिया और वो ऐप का आइकन नीचे में डिस्प्ले भी होता है। और ये MPL को भी स्टॉप कर दिया, ये मतलब 3 ऐप को स्टॉप कर चुका है अभी तक। और ये चार ऐप को स्टॉप कर डाला, पांच ऐप को स्टॉप कर डाले ये काइन मास्टर MPL और ये 6 बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स थे उसको स्टॉप करके ये फ़ोन को अभी ऑप्टिमाइज कर डाले। तो ये गर्मी का मौसम है और ये फ़ोन का CPU बहुत ही गर्म हो जाता है, उसके लिए हमारे पास CPU कूलर का भी ऑप्शन रहता है जिसमें लिखाया रहता है कि CPU इज़ ओवर हीटिंग नाउ, क्लोज बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स टू कूल इट डाउन। तो उसमें भी हम कर सकते हैं। तो ये CPU का ये स्कैन भी लेता है, फिर ये हमारे CPU को कूल डाउन करके ऑप्शन आता है, उसको करना पड़ता है। तो ये क्लोजिंग CPU कंज्यूमर्स कर, मतलब 4 ऐप जो बहुत ही CPU ले रहे थे उसको ये कंज्यूम कर दिया। तो इसके बाद अगर आपको डाउट है कि आपके फ़ोन में कोई वायरस घुस गया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि वायरस स्कैन। तो हमने लास्ट स्कैन किया था 10 डेज अगो, तो हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें फ़ोन में कोई वायरस तो नहीं है। और ये 12% हो गया है और यहाँ पर 1 issue डिटेक्टेड भी लिखा रहा है, तो वो सॉल्व भी करेगा ये ऐप। और ये मतलब बहुत ही ये डिवाइस में स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं स्कैन करने में। तो अभी ये 20 और यहाँ पर 39 हो गया और एक ही इशू डिटेक्ट हुआ है और वो है मिरर को कनेक्टर का। तो ये मिरर को कनेक्टर को हमको अभी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायरस के सिम्टम दिखाई दे रहे। तो और ये हमारा पूरा वायरस स्कैन हो चुका है और ये इंडेंजर 1 रिस्क वो लगा रहे हैं। तो इसको रिजॉल्व का भी ऑप्शन आया, तो हम इसको रिजॉल्व ऑल कर देते हैं। तो ये रिजॉल्व भी हो रहा है और ये अभी हमारे मोबाइल को सेफ बता रहे हैं। तो ये मैनेज ऐप्स का भी ऑप्शन दिया पर वो उतना वो नहीं रहता। तो बॉदर्ड बाई अनवांटेड नोटिफिकेशंस, तो अगर आपको लगती है कि आपके मोबाइल में अनवांटेड नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उसके भी ऑप्शन में जा सकते हो। तो ये रेड डॉट भी दिखाते हैं जो फ़ोन बूस्ट में है, तो ये फ़ोन बूस्ट में एक बार चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये बहुत अट्रैक्टिव टाइप से आता है और ये पूरा फ़ोन को बूस्ट करके चले जाते हैं। और ये 6 ऐप्स जो थे वही हमको परेशान कर रहे थे। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये बाय भी बोल दिया है। तो यहाँ पर अगर मिरर को कनेक्टर होगा तो हम उसको डिलीट भी मार देंगे। ये देखिए मिरर को कनेक्टर
यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसमें वायरस थे, इसलिए मैक्स क्लीनर ही उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो चलिए ठीक है।